सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया में रेडमी नोट 10 सीरीज के स्मार्टफोन काफी समय पहले ही लॉन्च कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो स्मार्टफोन काफी अच्छे निकल कर आए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों में से काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि यार रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन कहाँ है, ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होंगे, क्या कुछ फीचर्स होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि रेडमी के कुछ दो नए स्मार्टफोन आज यहाँ पर ऑनलाइन स्पॉट हो चुके हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन का वेट करें तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में डिटेल देने वाला हूं कि स्मार्टफोन कैसे हैं, कहां पे लिस्ट हुए हैं और उसके साथ में यहां पर इन स्मार्टफोन के कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स के भी बारे में बात करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को अभी के अभी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्दी से इस माइलस्टोन को कंप्लीट कर पाए। दोस्तों, अगर बात करूं Redmi के अपकमिंग Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में तो हालांकि Redmi के कुछ दो नए स्मार्टफोन अपने मॉडल नंबर के साथ में जिनका जो मॉडल नंबर है वो यहां पर निकल कर आया है। पहला जो स्मार्टफोन है उसका मॉडल नंबर है 2106111 9AG, ये पहला स्मार्टफोन है। और दूसरा जो स्मार्टफोन है इसका मॉडल नंबर है 2106111 9DG। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग सेम है, मतलब ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो आपको लगभग एक ही सीरीज के देखने के लिए मिल जाएंगे, एक ही सीरीज के दोनों ही स्मार्टफोन है। अब मे भी ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर Redmi Note 11 और Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन हो। अब ये जो स्मार्टफोन है वो अपने मॉडल नंबर के साथ में आज यहाँ पर EEC सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो चुके हैं, जिससे इनका जो लॉन्च है वो यहाँ पर 100% कंफर्म हो जाता है। अब दोस्तों, इनका जो मॉनिकर है वो अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, तो 100% ये कहना कि ये Redmi Note 11 सीरीज के ही स्मार्टफोन है ये तो सही नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज के ही स्मार्टफोन हो, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है दो नए स्मार्टफोन एक ही सीरीज के यहाँ पर Redmi के ऑनलाइन स्पॉट हुए हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में Redmi Note 11 सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि Realme Qualcomm Snapdragon 778 प्रोसेसर के साथ में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है और ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको यहां पर 20,000 रुपए के आसपास की प्राइस पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर सुनने में ये आ रहा है कि मे बी Redmi भी जल्दी यहां पर अपने Qualcomm Snapdragon 778 प्रोसेसर के साथ में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है और मे बी ये जो प्रोसेसर है वो यहां पर Redmi Note 11 Pro Max स्मार्टफोन वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाए, मे बी ऐसा हो सकता है। और उसके साथ में मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि Redmi Note 10 सीरीज के जो 5G स्मार्टफोन है कल यहां पर चाइना में लॉन्च कर दिए गए हैं। जो Redmi Note 10 Pro 5G स्मार्टफोन है इसमें 67 वाट का चार्जर दिया गया है, तो इससे उम्मीद ये की जा रही है कि अब यहां पर Redmi जो है वो चाइना में अगर 67 वाट के चार्जर को लेकर के आ गई है तो जब यहां पर Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च होंगे तो इनमें भी आपको 67 वाट का ही जो चार्जर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। Realme अभी तक 65 वाट का ही चार्जर दे रही है, लेकिन Redmi अब यहां पर अपने स्मार्टफोन में 67 वाट का जो चार्जर है वो देने वाली है। तो ये कुछ दो एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं जो कि यहां पर Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में कहे जा रहे हैं। अब देखते हैं आखिर यहां पर आगे क्या होता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि Redmi अभी Redmi Note 10 सीरीज में ही अपने काफी सारे स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है, उसके बाद में फिर यहां पर Redmi Note 11 सीरीज का नंबर आएगा। तो देखते हैं आखिर ये जो स्मार्टफोन है कब तक निकल करके आ पाते हैं और ये जो स्मार्टफोन है अपने प्राइस के हिसाब से, अपने फीचर्स के हिसाब से कितना अच्छा स्मार्टफोन निकल करके आ पाता है। तो दोस्तों, फाइनली ये थी कुछ डिटेल यहाँ पर Redmi के इन दो नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। अब आपका क्या कहना है इन स्मार्टफोन के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनली दोस्तों, ये था उस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।